ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें हमने चार कैटेगरी में बांटा हुआ है क्वेश्चंस को। पहला है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, दूसरा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तीसरा है फिजियोलॉजी, चौथा है डिसऑर्डर्स। जैसा मैंने बोर्ड में बताया है 2007 से लेकर के 2019 तक जो आपकी एनसीईआरटी है उसमें तीन क्वेश्चन सिस्टम से बने हैं, अब तक 12 क्वेश्चन फिजियोलॉजी से हैं और 4 क्वेश्चन डिसऑर्डर से हैं। मैंने कहा डिसऑर्डर्स बहुत छोटा सा पार्ट होता है, यहाँ तक क्वेश्चन जरूर है जिससे उसको बहुत इंपॉर्टेंट रूप से हम लोग पढ़ सकते हैं। सबका फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का भी क्वेश्चन क्या कैटेगरीज हैं उसको फिजियोलॉजी में हम डिवाइड करके बताएंगे। तो चलो छोटा सा पार्ट मैंने बताया आपको, पहले भी डिस्कस किया है मैंने एनसीईआरटी के छोटे से पॉइंट्स बताए हैं बताइए ठीक है ना। मैंने तो यहाँ बुक भी बना रखी है, अपने क्लास में अपने कोचिंग में बच्चों को मैंने बुक दिया पूरा बना करके फर्स्ट बुक सेकेंड ठीक है ना। लेकिन आप हमारे ऐप से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, बहुत बहुत तरीके से सिस्टम तरीके से मैंने दिया हुआ है। तो इनिशियल में जो पहला ये पार्ट है इसको बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं है, इस पर छोटे से क्वेश्चन लिखे, दो क्वेश्चन फिर हो सकते हैं वहाँ पर ठीक है, उन पर जानना मत चाहेंगे आपको। क्या मतलब रिस्पेक्टिव सिस्टम में जरूरत क्या होती है आपसे चल की हमारी सेल को, उस पर ज़्यादा हम लोग बहस नहीं करेंगे, सीधे रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स पर आ जाते हैं बेटा। इस बेसिस पर कहीं हम लोग को किस प्रकार से सिस्टम को बांट सकते हैं। तो बेटा देखिए इस पर जब क्वेश्चन पूछे तो ये होता है हमारा क्वेश्चन जनरल बॉडी सरफेस है ना, जनरल बॉडी सरफेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस लिखा है जनरल बॉडी सरफेस। इस रिस्पेक्शन किन में पाया जाएगा तो लोअर एनिमल्स में है, प्रोटोजोआ में, पोरीफेरा में, सिलेंडेटा में, प्लेटिफोर्मिजा में, एस्केलेंटिस। क्या बोला मैंने, प्रोटोजोआंस में, स्पंजेस में, निडेलियंस में, सिलेंडेटा, फ्लैटवर्म्स, प्लेटिहेलोन्थिस और एस्केलेंटिस के मेंबर्स ठीक है। दूसरा पार्ट है जनरल बॉडी सरफेस के अलावा हम फाइलम एनीलिडा की बात करें तो स्पेशल वहां कैसा हो सकता है, तो एक क्यूटेनियस डिस्पर्शन कहलाता है जिसमें हम लोग इस किट का बात करेंगे, हम लोग आर्थ्रोन की बात भी करेंगे या हम लोग लीच की भी बात करेंगे, क्यूटिकल और फ्रॉग की भी हम बात करेंगे। तीसरा प्रश्न विश्लेषण कहलाता है ब्रिंकियल रिस्पर्शन, क्या कहते हैं बेटा ब्रिंकियल रिस्पर्शन किसे कहते हैं बेटा, गिल्स होती है बाहर का गैस से छूट। तो गिल्स की बात करते हैं, गिल्स को लोग आउट में बांध देते हैं जैसे हम लोग कह सकते हैं बुक गिल्स भी कहलाते हैं है ना, एक सिंपल गिल्स भी होती है दूसरी बुक गिल्स भी ठीक है, बुक गिल्स लिम्बलस्ट बुक गिल्स जो पढ़ते हैं फिशेस होते हैं एग्जाम्पल तमाम सूर्य। तीसरा स्पर्शन बेटा हम लोग कह सकते हैं ट्रेकियल डिस्पर्शन, ट्रेकियल डिस्पर्शन जो है ये आर्थ्रोपोडा के इंसेक्टम में नहीं होते, आर्थ्रोपोड के इंसेक्टम में ट्रेकियल डिस्पर्शन होता है। ट्रेकिया डायरेक्ट सेंसर गैस पहुंचाती है, वहां पर किसी भी प्रकार का कोई रिस्पेक्टिव पिगमेंट नहीं होता है गैस एक्सचेंज के थ्रू। पांचवा डिस्पर्शन हम लोग बताएंगे जिसे हम कहेंगे पल्मोनरी डिस्पर्शन। पल्मोनरी डिस्पर्शन लंग्स के थ्रू होता है, ये सभी टेट्रापोडा के मेंबर्स में पाया जाता है। एक सामान्य एनिमल क्लासिफिकेशन और चैप्टर में चीजें हम आपको अलग अलग दी होती हैं, यहाँ पर छोटा सा पार्ट आपका दिया हुआ है वो पहले ही पेज पर जिसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बेटा हम लोग आता है छोटा सा यहाँ पर बता दें हमको फ्रॉग के लिए स्पेसिफिक फ्रॉग का हम लगाने का है। फ्रॉग में हम लोग कहते हैं पल्मोनरी डिस्पर्शन होता है,
क्यूटेनियस एक्सप्रेशन होता है और बक्को फरिंजियल एक्सप्रेशन होता है। पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 65% 30% और 5% के रेशियो में ये रिस्पेशन प्रॉब्लम पाया जाता है। एक छोटा सा पॉइंट है जिसे पढ़ लीजिए। इसके बाद बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग एक तो रेस्पिरेटरी पैसेज और दूसरा मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, दो चीजों पर ध्यान देना होगा। एक हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज होगा बेटा, चलो इसको हम लोग ऐसे बताते हैं, है ना, कि रेस्पिरेटरी पैसेज में फिगर है बनाऊं तो पहले, और रेस्पिरेटरी पैसेज में हम आपको यहां से दिखाना पसंद करेंगे, इस प्रकार से आएंगे, फिर यहां हम थोड़ा सा दूर कर दिखाएंगे आपको, ट्रेकिया दिखाएंगे हम आपको, और ट्रेकिया को थोड़ा नीचे लेकर आएंगे, नेक से नीचे लेकर आएंगे, है ना, नेक से नीचे जाएंगे हम थोड़ी सी कैंटीन जाएंगे, और फिर थोरसिक वर्टिब्रे पर हम इसको दो भागों में बांटा हुआ नजर दिखाएंगे। इस हम लोग ब्रोंकस कहेंगे, प्राइमरी ब्रोंकस, और इसके बाद हम आपको इसका जिक्र करेंगे, इसको हम लोग लंग्स बताएंगे, ठीक है, उनका जिक्र करेंगे हम लोग, ठीक है, लंग्स बताएंगे हम सब यहाँ पर, ठीक, यहाँ हम लंग्स की बात करेंगे, तीन लोग से यहाँ बात करेंगे, दो लोग से घर बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये लंग्स हमारे हो जाएंगे, और यहाँ पर हम बात करेंगे तो डायग्राम बताएंगे बेटा। सामान्य सा क्वेश्चन जिसे हम आपको बताना है, दिखाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और बताएंगे, इसके बाद थोड़ा सा फिगर को ड्रॉ करना चाहेंगे बाहर से, है ना, ब्लू कलर से देता हूँ इस कलर को, ठीक है। इसके बाद हम आपको यहाँ पर ये दिखाना चाहेंगे, ये चेस्ट, ये दिखाना चाहेंगे चेस्ट के बारे में थोड़ा बताएंगे थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे दिखाएंगे हम आपको। इस चेस्ट में हम जो डिस्कस करना चाहेंगे वो हम इस वाल की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, ऐसे बात करेंगे। यहाँ पर एक चीज जो मुख्य रूप से बताना चाहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे कि पूरी यूरिनरी कैविटी हो जाएगी हमारी, ये बोल देंगे, है ना, थोड़ा सा आसानी से जल्दी से फिगर को ड्रॉ कर रहे हैं, रिविजन की बात है बेटा, इसको ध्यान रखना, ठीक। इनको हम लोग अब दो बातें बेटा इसको हम डिटेल से बताएंगे, तो मैंने कहा था मैं दो भागों में इसको बांटूंगा, एक हम इसको रेस्पिरेटरी पैसेज कहूंगा, और दूसरा मेन ऑर्गन है हमारा लंग्स, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन जो क्वेश्चन है उसको मैं नोट्स लेकर बोलूंगा कि आपको वही याद करना, रिवीजन का पार्ट थोड़ा सा आउटलाइन बन जाती तो ठीक रहता है। अब यहां से अगर शुरुआत करेंगे इस जगह से, तो हम किससे शुरुआत करेंगे बेटा, याद करो किससे शुरुआत करेंगे, नॉस्ट्रिल से शुरुआत करेंगे, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, अंदर पहुंचेंगे तो नेजल, चैम्बर नजर आएंगे जो दो होते हैं और नेजल सिस्टम से अलग रहते हैं, नेजल चैम्बर बेटा आप समझ रहे हो, उसके बाद पहुंचेंगे तो जिस भाग में पहुंचेंगे वो फेरिंग्स होगा, इसका एक पार्ट यूज करेंगे नेजो फेरिंग्स कहेंगे, नेजो फेरिंग्स के बाद इसको हम लेबिजो फेरिंग्स से नीचे और किधर से जाता है वो देखेंगे, एक ओपनिंग की बात करेंगे जिसे हम लोग ग्लॉटिस कहेंगे, और ग्लॉटिस जब ओपन होगी तो आर्गन होगा वहां पर कौन सा, लैरिंग्स, जब उसके नीचे पहुंचो बेटा तो क्या होगा, ट्रेकिया, ठीक, ट्रेकिया स्टेट ट्यूब है जो चली आ रही है, ट्रेकिया की थोड़ी सी एनाटॉमी पर भी क्वेश्चन हम लोग बोलेंगे, ठीक है, और ट्रेकिया की ब्रांचेस की बात करेंगे तो ट्रेकिया की ब्रांचेस हो जाएंगे, तो बात करें हम लोग प्राइमरी ब्रोंकस की बात करूंगा, सेकेंडरी ब्रोंकस की बात करेंगे, टर्शियरी ब्रोंकस, एक बात मैं बताऊं बेटा, ट्रेकिया टोटल 23 बार डिवाइड होती है, कितनी बार होगी, 23 टाइम्स,
इन 23 टेंशन के दो रीजन होते हैं, एक हम बताएंगे आपको। 16 बार बीमारी होती है वो कंडक्टिंग पार्ट होता है, ठीक है, और 7 बार बीमारी होते हैं एक्सचेंज होता है उसके बीच, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस, टर्मिनल ब्रोंकियल्स, यहां जो हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी किताबें, हम उस पर ज्यादा ध्यान दें। टर्मिनल ब्रोंकियल तक का पार्ट बेटा एक्सचेंज कंडक्टिंग है, केवल टर्मिनल ब्रोंकियल तक का पार्ट केवल कंडक्टिंग। उसके बाद हम सब बात करते हैं जहां एक्सचेंज वाला है, हम लोग कह सकते हैं रिस्पायरेटरी ब्रोंकियल्स होता है, ठीक, एल्वियोलर डक्ट होती है, एल्वियोलर सैक मिलता है और फिर मिलता है एल्वियोलाई, जहां हमारे एक्सचेंज के पार्ट। एक छोटा सा ये बता देंगे फिर एनसीईआरटी बेस पर से क्वेश्चन हम डिस्कस कर देंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना, उनको बोल देंगे वो बन जाएगा, ज्यादा बहुत कठिन नहीं है यहाँ पर, है ना, बहुत इजी है। थोड़ा सा लंच पर मैं डिस्कस करूंगा बेटा, इसको हम लोग पूरी तरह से चेस्ट कहना चाहते हैं, इसको हम लोग पूरी तरह से थोड़ी सी कैविटी कहना चाहते हैं, जानते हैं बेटा थोड़ी सी कैविटी में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होते हैं। एक चीज प्रेजेंट होती है जिसे आप प्यूरल कैविटी कहते हो, ये बेटा प्यूरल कैविटी है। दो प्यूरल कैविटी के बीच एक स्पेस होता है जिसे मेडियास्टिनम स्पेस कहते हैं। इस स्पेस में थोड़ा लेफ्ट साइड में एक कैविटी और होती है जिसे आप नाम देते हो पेरी कॉर्डियल कैविटी, बट इसको मैंने बनाया नहीं है, ठीक है। पेरिकॉर्डियल कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट, मैंने इसको फ्रेम नहीं किया है, अगर आप चाहेंगे तो इसको थोड़ा सा फ्रेम कर देता हूँ, इस तरह से बना देंगे मां, चलिए ठीक, ये कैविटी बन जाएगी जिसे हम लोग पेरिकॉर्डियल कैविटी के नाम से जानेंगे। प्यूर कैविटी का दो क्वेश्चन बनते हैं, प्यूर कैविटी के कितने मेम्ब्रेंस होते हैं, दो मेम्ब्रेंस होते हैं, एक मेम्ब्रेन आउटर होती है जिसे पैरेटल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। पैरेटल मेम्ब्रेन चेस्ट के वाल से बिल्कुल जुड़ी होती है, बिल्कुल चिपकी होती है, बिल्कुल क्लोज होती है, कोई स्पेस नहीं रहता है, ठीक है। और दूसरी मेम्ब्रेन होती है अंदर की जिसे हम लोग विसरल कह देते हैं। अब बेटा जो विसरल मेम्ब्रेन होती है वो लंग्स की पाउडर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, इन दोनों के बीच स्पेस होता है, उसी को प्रोपेलर कैविटी कहते हैं बेसिकली। उस स्पेस को कहा जाता है पोटेंशियल स्पेस के नाम से जानते हैं, ठीक ठीक है। उस पोटेंशियल स्पेस में कुछ फ्लूड भरा होता है, कहते हैं फ्लूड का क्या काम होता है, जानते हैं फ्लूड का काम होता है जो लंग्स को बिल्कुल सॉफ्ट बनाए रखे, किसी भी तरह से फ्रक्शन से रोके, ठीक है, आसान से ब्रीथिंग होती रहे, फ्लूड प्रेजेंट होता है। लेकिन यदि क्वेश्चन मेरे बता, यदि इफ फ्लूड अधिक हो जाए, अधिक फ्लूड हो जाए, मैंने क्या कहा, फ्लूड अगर ज्यादा हो जाए तो इस कंडीशन को प्लूरिसी कहते हैं, इस कंडीशन को प्लूरिसी कहते हैं। कहते नहीं कि फेफड़े में पानी भर गया है, तो आम बोलचाल में कहते हैं फेफड़े में पानी भर गया है, उसी कंडीशन को प्लूरिसी कहते हैं। और बेटा प्लूरिसी में हम लोग कहेंगे पेनफुल ब्रीथिंग होती है, और पेनफुल ब्रीथिंग के कारण जिसे डिसपीनिया, पेनफुल ब्रीथिंग का कारण जिसे कहते हैं डिसपीनिया। ये छोटा सा पार्ट और जाता है इसको मैंने यहां पर आपको बताया है, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक की ज्यादा डिस्कशन की बहुत जरूरत नहीं रहती है। ट्रेकिया का जरूर हमने ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं, हमने ट्रांसवर्स काटा है,
तो इसके ट्रांसफर करोगे तो तीन चार लेयर्स नजर आते हैं। पहले पार्ट में सबसे बाहर क्या प्रेजेंट होती है, इसे ट्यून का एडवेंसिया कहते हैं। ट्यून का एडवेंसिया कहते हैं जिसे आप लोग गट में सीओसा कहते थे, मेसोथेलियम कहते थे, ठीक है। इसके नीचे वहां मसल लेयर होते थे। यहां पर आपको मसल लेयर भी बताएंगे हम आपको, यहां पर कैसे प्रेजेंट होते हैं। यहां पर ये प्रेजेंट होते हैं सी सेप्ट रिंग ऑफ कार्टिलेज, रिंग ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज, जो डार्सल साइड पर इनकम्प्लीट होते हैं, वेंट्रल साइड पर कंप्लीट होती है। आप यूं कह सकते हो आप अपनी गर्दन को पकड़े पूरी पकड़ नहीं पाएंगे, बस समझ लो इधर की ओर कंप्लीट है और पीछे की ओर डार्सल वो इनकम्प्लीट है। इस तरह से थोड़ा याद रखना है, ठीक है। फिर अंदर समयकोशा प्रेजेंट होती है और उसके अंदर ये जो लेयर होती है इनर मोस्ट लेयर जिसे आप मिकोशा कहते हैं बेटा, मिकोशा लेयर में कैसी होती है, सीलिएटेड एपिथेलियम होती है जिसके सीलिया मुकुश को बाहर जो खींचते हैं, ठीक है। बेटा रिवीजन हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इसके डिटेल में अंदर नहीं जा रहा हूं। अब मैं उस एनसीईआरटी के उन पॉइंट को जो मैंने डिटेल किया है छोटे छोटे से डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ ले रहा हूँ, आप इनिशिएटिव में शामिल रखें। एक क्वेश्चन बनेगा डिस्पेटिक पाथ किसे कहते हैं, आप ये पूरा बता सकते हैं। डिस्पेटिक पाथ किस वर्टिकल पर डिवाइड होती है, फिफ्थ थोरसिक वर्टिकल पर, सात वर्टिकल बेटा सर्वाइकल हो जाएंगे, पांच थोरसिक हो जाएंगे, पहले से लेकर के यहाँ तक टोटल 12 हो सकते हैं। सर इस तरह की कोई लैंग्वेज पूछी जाए, क्वेश्चन पूछा गया ट्रेकिया को क्या कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन ट्रेकिया नॉन कोलेप्सिबल होती है, क्वेश्चन है नॉन कोलेप्सिबल जो पिछके हैं क्यों नहीं पिछके लगती है, क्योंकि इसमें कटरेज की बनी विंड पाई जाती है। यहाँ बैठा क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्रेकिया दो क्वेश्चन बोलूंगा, ट्रेकिया ह्यूमन की ट्रेकिया हो गई एक, दूसरी कॉकरोच की ट्रेकिया, दोनों की ट्रेकिया का एक कॉमन कैरेक्टर है, दोनों नॉन कोलेप्सिबल होते हैं। बट जो डिफरेंस है वो ये है कि ह्यूमन की ट्रेकिया में कार्टिलेज के कारण नॉन कोलेप्सिबल होते हैं, जबकि कॉकरोच या इंसेक्ट में जो ट्रेकिया नॉन कोलेप्सिबल होती पिचकती नहीं है बेटा, वो किसके कारण होती है, तो काइटिन की बनी हुई रिंग पाई जाती है, तो इसलिए काइटिनस रिंग कहते हैं। दो का एक फीचर है जो डिफरेंस क्रिएट करता है, कार्टिलेज की बनी रिंग होती है इनकम्प्लीट होती है, सी शेप्ड होते हैं, काइटिन की बनी रिंग्स होती हैं कंप्लीट होती हैं। सिमिलरिटी क्या है, दोनों की ट्रेकिया नॉन कोलेप्सिबल होती है, दोनों ट्रेकिया गैस को ट्रांसपोर्ट करती है, ओके। फिर क्वेश्चन बेटा आगे आ जाए हम लोग, फिर देखो अगला क्वेश्चन शादी खोलो आप, है आप सामने खुली होगी शादी को उसको देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये है कि ये सी शेप्ड होती है, इनकम्प्लीट किधर होती है, डार्सल पर बोलोगे, किसके द्वारा अलाइंड होती है, सीलेटेड एपिथेलियम बोलोगे, म्यूकस को कहाँ की ओर पुश करती है, बाहर को पुश करती है यह बोलोगे, लंग्स पर आ जाओ कितने होते हैं, पेड़ होते हैं, रोजी होते हैं, स्पंजी होते हैं। ह्यूमन में इस लंग्स में मीन्स राइट लंग्स में, राइट लंग्स में बोलेंगे हम लोग तीन लोब्स होते हैं, लेफ्ट लंग्स में बोलेंगे तो दो लोब्स होते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन आ जाएगा हमारा कि किसके द्वारा कवर्ड होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन कितनी होती है, दो होती हैं, उन सब चीज़ों को मैंने बोला, एयर टाइट होती है बिल्कुल।
फिर कहेंगे ब्रांचिंग लंग्स का क्वेश्चन बहुत बढ़िया सा बन सकता है कि ब्रांचिंग नेटवर्क इनकी सारी ब्रांचिंग नेटवर्क कहा जाएगा अलोंग विद द एल्वेओलाई क्या कहलाता है लंग के पार्ट में आ जाता है आउटर मेम्ब्रेन किसके कॉन्टेक्ट में होते हैं तो उसी केस के कॉन्टेक्ट में इनर मेम्ब्रेन किसके कॉन्टेक्ट में होती है लंग्स के कॉन्टेक्ट में होते हैं कंडक्टिंग पार्ट कहाँ तक होता है बेटा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल ब्रैंकुल तक कंडक्टिंग होता है रिमेनिंग पार्ट कैसा होता है कंडक्टिंग भी होता है और गैसेस एक्सचेंज का भी काम करता है एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट क्या है तीन फंक्शन बेटा दिए उसको गौर से ध्यान से सुन लेना एक तो पहला है ट्रांसपोर्ट ऑफ एटमॉस्फेयर होता है जो कि बाहर से अंदर तक ले जाते हैं दूसरा फंक्शन है कि बाहरी पार्टिकल्स को फॉरेन पार्टिकल को रोकने का काम करता है रोकने का काम कौन करता है तो बेटा इस नॉस्ट्रिल के अंदर नेजल चैम्बर में तीन पार्ट करते हैं एक पार्ट जो सबसे पहले यहाँ होता है जिसे नाम देते हैं वेस्टिबुली इस वेस्टिबुली पार्ट में बेटा हेयर्स होते हैं सेबेसियस ग्लैंड्स होते हैं स्वेट ग्लैंड्स होते हैं ये बेसिकली किसका काम करता है इन्फिल्ट्रेशन का काम करता है यहाँ पर तो नेजल चैम्बर का ये पार्ट हो जाता है दूसरा पार्ट क्या करता है ह्यूमिडिफाई करता है यानी एटमॉस्फेयर की एयर अगर ड्राई होती है तो बॉडी के टेम्परेचर पर भी लाने का काम करता है नमी को भी लाने का काम करता है ठीक है फिर लंग्स कहाँ सिचुएटेड होता है बेटा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा थोरेसिक केज में सिचुएटेड होता है फिर क्वेश्चन कहा जाए थोरेसिक चैम्बर किससे मिलकर बना होता है तो कहोगे बेटा डार्सल वर्टिब्रे होती है बारह विंटल स्टर्नम होती है एक दोनों से जोड़ने का काम बारह जोड़े रिब्स का काम करते हैं ठीक पोस्टीरियर सर्फ पे नीचे की ओर डाउनवर्ड्स की ओर कैचेस प्रेजेंट होते हैं डायफ्राम डोम शेप और यहाँ पर नेक प्रेजेंट होती है इस प्रकार से ये पूरा स्ट्रक्चर बेटा एनाटॉमिकली इतना फिट होता है कि हमारा लंग्स किस तरह काम करता है सक्षम लंग होता है कभी कभी फ्रॉग में डिफरेंस पूछा जा सकता है फ्रॉग का लंग्स कैसा होता है प्रेशर लंग्स हमें लंग्स कैसे होते हैं सक्षम प्रेशर हमारा सक्षम का काम होता है फ्रॉग में प्रेशर लंग्स होता है उसकी फिजियोलॉजी में नहीं जाएंगे इतना सा क्वेश्चन फ्रेम कर दिया गया ठीक है बेटा तो अगला जो लेक्चर होगा मेरा वो बेटा होगा फिजियोलॉजी के लिए ठीक है ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम में इस प्रकार के क्वेश्चंस मैंने आपको फ्रेम करके बता दिए समझा दिए ठीक है ना अब हम फिजियोलॉजी पर बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर हमारा फिजियोलॉजी पर होगा बेटा ध्यान रखना नीट नजदीक आ गया है ये लेक्चर हमारे केवल रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी में चीज़ों को आपको बताता चल रहा हूँ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर अच्छे रहेंगे और ध्यान रखना बेटा मैं इन 20 दिनों में पूरे 38 चैप्टर के लेक्चर्स आपको देने वाला हूँ ठीक है आप हमारे स्काई एमटी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से जाकर लिंक कर लीजिए डेली प्लस ध्यान रखिए बेटा गूगल प्ले स्टोर पर जाओगे तो आपको और जानकारी मिलेगी हमने 90 क्वेश्चंस हर चैप्टर के फ्रेम कर रखे हैं आप उसको डायरेक्ट आप उससे जुड़ जाइए आप उसको ठीक है सब कुछ फ्री है कहीं कोई पैसा नहीं लगता है किसी भी चीज़ का ठीक है आप उसको डेली दो चैप्टर बायोलॉजी के करिए तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है ठीक है ना दो चैप्टर डेली आपको करना है कुछ नहीं घबराना है दो चैप्टर डेली करना है ठीक है ओके बेटा थैंक यू